जनमानस को अंगदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से भिलाई में अंगदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा चलाए जा रहे इस पखवाड़े के तहत आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र से निकाली गई रैली को बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में डॉक्टरों के अलावा बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और दूसरे स्टाफ शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान अनिर्बन दास गुप्ता ने कहा कि पखवाड़े का मकसद लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। अंगदान सबसे बड़ा महान दान है, सबसे महान दान है, और हमारे देश में, विश्व में भी और हमारे देश में भी अंगदान की बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारे अंगदान से सैकड़ों जिंदगियाँ बच सकती है, सैकड़ों लोगों के दृष्टि वापस आ सकती है और ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। पर जागरूकता की कमी से हमें उतने सारे अंग नहीं मिल पाते जितने की हमें ज़रूरत है, और हम यही चाहते कि इस कैंपेन से लोगों के बीच में जागरूकता जगे। वहीं अंगदान को लेकर भिलाई के सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टरों को शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने अंगदान का संदेश दिया। यह प्रदर्शनी 8 अगस्त तक चलेगी। सेक्टर 9 अस्पताल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविन्द्रनाथ ने बताया कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंगदान दिवस के एक पखवाड़ा हमने शुरू किया है, 31 से लेके 13 तारीख तक हमारा चलेगा। वैसे 3 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय अंगदान दिवस महोत्सव मनाने का आदेश भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से भी, उसी के तहत हम इसका जागरूकता बढ़ाने के लिए इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, तरह तरह के इन्फॉर्मेशन जो संगोष्ठी से भी हो सकता है, पोस्टर डिस्प्ले से, नुक्कड़ नाटिका से, वाकाथॉन करते हुए, और शहर में एक वाहन भी हम घुमा रहे हैं अंगदान के फेवर में बोलने के लिए। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दुर्ग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने रक्तदान की ही तरह अंगदान के लिए भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। धीरे धीरे अवेयरनेस इतना ज़्यादा ला देना है कि लोग जिस तरह से ब्लड डोनेशन के बारे में केयर लेते हैं, ध्यान देते हैं और एक बुलावे में आ जाते हैं, वही स्थिति अंगदान की आ जाए। और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है, अगर नश्वर शरीर से कुछ भाग जो दूसरे की ज़िंदगी बना दे, दूसरे के चेहरे पे खुशी ला दे, उस भाग में, उस कार्य को करने में जो सुख मिलेगा, उसका कोई भी अंत नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है।